बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब ठीक आ रहे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हुसन मान रखे और खैर खैरियत रखे जी। तो नाज़रीन देखें जी, सबसे पहले जी हमारे रैपिड फॉर्म का व्यू माशाल्लाह जी। तो देखें नाज़रीन माशाल्लाह, ये वाली फीमेल अगले महीने की 2 तारीख को जो बच्चे डिलीवर करेगी, जुलाई 2 तारीख। और उसके अलावा ये देखें, ये बच्चे, ये दो बच्चे जो छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी माँ एक्सपायर हो गई थी और इनको हमने हैंड फीड करवा के, ये देखिए माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये। अभी तो इन्होंने खाना पीना स्टार्ट कर दिया हो गया, देखिए पानी भी ये यहाँ से अब इस नज़र से पानी पी लेते हैं ये। इन बेचारों की माँ एक्सपायर हो गई थी तो वो हैंड फीड करवा के हम इस पोजीशन तक ले आए हैं ये। तो इस पर फीमेल है, जो 7 फीमेल है, इसने बच्चे डिलीवर किए हैं आज, तो 7 बच्चे इसने डिलीवर किए हैं। दिखाते हैं आपको ये कैमरा पास ले जाते हैं। ये 7 बच्चे हैं जी इस फीमेल के साथ। ये न्यूजीलैंड वाइट की फीमेल है, इसकी फर्स्ट डिलीवरी थी। माशाल्लाह वेट भी इसका 3800 ग्राम था। अभी बच्चा डिलीवर करने के बाद जाहिर सी बात थोड़ा सा कम हो गया होगा। और ये फीमेल है, और ये भी देख लें, और एक ये फीमेल है जी। इस फीमेल ने 4 बच्चे डिलीवर किए हैं, इसने अभी भी किए हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, वो अपने बालों के नीचे से छुपाए हुए हैं। अभी भी इसे बच्चे डिलीवर किए हैं, इसको मैं अच्छे से मैं इसको छेड़ नहीं रहा। और ये बच्चे 4 यदि 1.5 महीने के, ये 2 पेयर हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जी 8 बच्चे हैं किसी सी मिल गए, ये 20-21 दिन के हो गए हैं माशाल्लाह। कैसे मजे सो रहे हैं सारे, काफ़ी के सो गए आप। और उसके अलावा दिखाते हैं जी आपको साइड पे भी बच्चे हैं। तो हमने इनका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है रूम कूलर लगा के, काफ़ी गर्मी थी, अभी तो मौसम काफ़ी नॉर्मल हो गया है। 4 बच्चे ही हैं न्यूजीलैंड वाइट के, ये 2 महीने के हैं। और ये फीमेल हमने अलग कर दी छोटी, ये आपस में लड़ती थी इसलिए हमने इसको अलग कर दिया, इकट्ठे रह नहीं सकते, लड़ते हैं आपस में। तो ये ड्वार्फ फटोट, ये फैंसी ब्रीड, ये माशाल्लाह ब्रीड के काबिल हो गए हैं। क्रॉसिंग इसकी करवाई थी, मेरे ख्याल में ये प्रेगनेंट नहीं है, मगर डेट इसकी गुजर गई है, या शायद एक दिन और ऊपर ले ले, वेट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे खूबसूरत हैं ये वाले ड्वार्फ फटोट। उसके बाद ये ब्राउन कलर में जॉइंट इंग्लिश अंगोरा, इनकी मैंने कटिंग भी कर दी है, काफ़ी गर्मी थी इसलिए बहुत तंग हो रहे थे, तो इसलिए मैंने इनके बाल ही काट दिए, अभी दोबारा आ जाएंगे फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो जी ये देखें जी माशाल्लाह, दिखाते हैं आपको टेम्परेचर मीटर भी, वैसे 34-35 तक ये टेम्परेचर में ज़्यादा रह सकते हैं। इन हमें ये रूम को लगा के देख रहे हैं टेम्परेचर का मेंटेन किया हुआ है 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और आर है जो है 52, जो हवा में नमी है वो भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें ये माशाल्लाह ये वाले मेल है साइड पे, सारे ब्रीडर मेल हैं, और ये कूलर भी हमें लगाया हुआ है ये। तो इसके अलावा इधर भी मेल पड़े हुए हैं कुछ, ये देख रहे हैं इस तरह सेटअप सारा। ये मैंने एक फिर स्टार्ट लिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी ज़्यादा खरगोश हो गए हैं। तो अभी जो ही अब सीज़न स्टार्ट होगा तो हम इन सबसे ब्रीड लेंगे, तो फिर ये हम कंपनी को एक एक 2-2 पेयर सेल करते जाएंगे, साथ साथ फार्म बढ़ता जाएगा, और साथ में कुछ कुछ माल कंपनी को भी शेयर करते जाएंगे, तो इस तरह अपना निज़ाम चलाएंगे। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल मेरे सदाम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।